नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, एक बार आप सभी का स्वागत है फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मूलचंद बाजिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे घड़ी, क्लॉक। काफ़ी अच्छा टॉपिक, ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरीके से हम उसको बारीकी से पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे, ट्रिकें भी पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एस आर किंग, बिल्कुल राम राम। ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, घड़ी टॉपिक है। अनिल कुमार हमारे से जुड़ चुके हैं, नरेश, बिल्कुल, जय हिंद। अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल, मैं बिल्कुल इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से सवाल करेंगे। नरेंद्र, बिल्कुल राम राम भैया। अब ध्यान से देखना, विजेंद्र जाट, बिल्कुल राम राम। अब इधर देखो, घड़ी की कौन सी सुई? छोटी सुई। अब देखिए एक बात बता दूं, यहाँ घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इस सवाल का हमें आंसर देना है, ठीक है। दामोदर शर्मा स्वागत है, बिल्कुल राम राम। और राजेंद्र चौधरी, बिल्कुल राम राम भैया। अनीता जाकर, बिल्कुल राम राम। अब इधर देखिए, सभी ध्यान से समझना, घड़ी में तीन सुइयां होती है, कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी, कौन सी मध्यम, उसके बारे में हम चर्चा करें, फिर कोण निकालना बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, आपसे ये पूछे कि घड़ी में सबसे छोटा सुइया किसका होता है, तो आप कहोगे सर घंटे का होता है, ठीक है। आपको ये पूछे कि घड़ी में मध्यम साइज का सुइया कौन सा होता है, तो याद रखना मिनट का होता है, किसका होता है। और सबसे बड़ा सुइया पूछे कि किसका होता है, तो आपको ये बताना है कि घड़ी में जो सबसे बड़ा सुइया है वो सेकंड का होता है। क्लियर? रॉयल रूप साहब, बिल्कुल राम राम। अब देखो, छोटी सुई पूछ रहा है, इसका मतलब कौन से सुइये का पूछ रहा है? घंटे वाले सुइये का, ठीक है। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है, हर एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो, इस सवाल का जो बिल्कुल आप सभी का आंसर आने लग गया है, अब इधर देखो, इस 40 मिनट की जगह कोई और भी तो मिनटें आ सकती है, तो मैं आपको सभी का निकालना बता रहा हूं कि कैसे हम निकालते हैं और क्या आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक घड़ी है, ठीक है, ये मैं 12 लिख दिया, ये 6 और ये 3 और ये 9, ठीक है। मान लीजिए घंटे की जो सुई है वो 12 पर है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, आपको इस घंटे वाली सुई को इस घड़ी में एक चक्कर पूरा करवाना है, तो एक चक्कर पूरा कब होगा? जब 12 से पुनः 12 पर आ जाएगी, तब एक चक्कर पूरा होगा। और एक चक्कर जब पूरा होगा तो वो सुई कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। सही बात है, बिल्कुल। अब देखिए, बट्टे में आता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो बताओ घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 12 घंटे लगेंगे, यहां से यहां आएगा तो 12 घंटे लगेंगे, तो ये मैंने बट्टे में लिख दिया 12 घंटे, यानी एच, ठीक है। अब ध्यान से समझना सभी विद्यार्थी, बट्टे में घंटे का भाग लगाएंगे, ठीक है, बट्टे में क्या है? घंटे। तो यदि घंटे में भाग लगाएंगे तो घंटे बराबर आएगा, मिनट का भाग लगाएंगे तो मिनट बराबर, और सेकंड का भाग लगाएंगे तो सेकंड बराबर, तो 12 घंटे। तो भाग लगाने पर क्या आएगा? 12 घंटे की सबसे छोटी इकाई 1 घंटा, तो भाग कितनी बार गया? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। तो 12 घंटे की सबसे छोटी इकाई 1 घंटा, ठीक है। तो बताओ घंटे वाला सुइया 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है? भैया बताओ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आप कहोगे सर आपने बताया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल सही है। यदि घंटे का पूछता तो 30 डिग्री, लेकिन हमें पूछा जा रहा है मिनट का, तो मैं 1 घंटे में बनाता है 30 डिग्री का, तो हमें 1 मिनट का चाहिए, तो 60 मिनट का क्या लगा दूंगा? भाग। तो
तो एक मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 30 का भाग एक बार, 30 का भाग दो बार, तो एक बटावा दो मिनट, यानी आधा डिग्री का कोण घंटे वाला सुइया बनाता है एक मिनट में। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यदि घंटे वाले सुइये के बारे में घंटे का पूछे, चाहे एक घंटे, दो घंटे, चाहे तीन घंटे, चार, पांच, छह, सात, कितने घंटे का पूछे, तो उसको गुणा किससे करना है, 30 से। ठीक, मैं दो घंटे का पूछू तो दो गुणा 30 60, पांच घंटे का पूछू तो पांच गुणा 30 150। ओके, लेकिन मिनट का पूछे तो उसको गुणा किससे करना है, आधे से। और किसी भी संख्या को जब हम आधे से गुणा करते हैं तो उस संख्या का आधा प्राप्त होता है। तो बताओ हमें कितनी मिनट का पूछ रहा है, 40 मिनट का। तो बताओ एक मिनट में कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। तो बताओ कितना आया, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन सी। अब कोई बच्चा मुझे यह कहेगा कि सर ये पूरा याद रखना पड़ेगा क्या? आप केवल ये दो चीज याद रख लो, एक और दो, ये कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, मैंने समझाया है। अब आपको कितनी मिनट का पूछे, जैसे मान लो यहां पूछ ले घंटे वाला सुइया 100 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो मिनट को आधे से गुणा, तो 100 का आधा 50 डिग्री। 500 मिनट में पूछ ले कि घंटे वाला सुइया कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 500 का आधा 250। क्लियर, ओके, समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, पहले सवाल का आंसर आ चुका है 20 डिग्री। दूसरा सवाल भी, तीनों सुइयों की बातें करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से टॉपिक को उठाया है, आराम से सीखने का मौका है तुम्हारे पास, समझ गए। क्योंकि आपके लिए एक सबसे बेस्ट बात कहूं, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके जीवन में आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, तुम्हारा ये वादा रहा मेरा आपसे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना, घड़ी की सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो तरीका वही है निकालने का। याद रहे घड़ी में जो सेकंड वाली सुई है वो एक सेकंड में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अब ध्यान से सुनना, अब देखो सेकंड वाला जो सुइया है उसके बारे में कितनी भी सेकंड का पूछे, चाहे एक का पूछे, चाहे दो का पूछे, चाहे पांच का पूछे, चाहे 10 का पूछे, उसको आप गुणा किससे करोगे, 6 से। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि घड़ी में सेकंड वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको पता है मैंने 10 का पूछा, एक सेकंड में 6 डिग्री, तो 10 गुणा 6 60, ठीक है ना, समझ में आ रहा है जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है भैया। एक बार सभी विद्यार्थी ये बात मुझे बता दें कि आपके समझ में आ रहा है क्या, ये चीज आप याद रखोगे। जैसे पहले सवाल में बताया कि घंटे वाला सुइया एक घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाला सुइया एक मिनट में आधा डिग्री, दूसरा सवाल क्या बता रहा हूँ, सेकेंड वाला सुइया एक सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है, क्लियर, चलें आगे। ओके, तीसरा सवाल, इसका आप सभी को आंसर देना है, बिल्कुल क्लास में सभी का स्वागत है, विक्रम, सोनू, अनिल कुमार, सुरेंद्र गोदारा, नरेश, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अब देखो किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को, कौन सी सुई को, मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 17 मिनट आगे घुमाया जाता है, कितने मिनट, 17 मिनट आगे घुमाया जाता है, तो वह कितने डिग्री के का कोण बनाएगी, ठीक है ना। तो बताइए भैया, लखन सैनी बिल्कुल हेलो, स्वागत है आपका। अब ध्यान से समझना, मैं वही तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, जो हमने घंटे का जो सुइया था उसका जो तरीका था वही सेकंड वाले का था और यही मिनट वाले का है। जैसे मैं कहूँ ये घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, मान लो मिनट का सुइया कितने पर है, तो आपको 12 पर है, इसे एक चक्कर पूरा करना है तो वापस 12 पर आना पड़ेगा, बिल्कुल।
तो 12 से सुइया 12 पर आया तो कितने डिग्री घुमा, तो आप कहोगे सर 360। बट्टे में क्या आएगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो बताओ मिनट वाले सुइए को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर 60 मिनट, क्योंकि एक पर जब सुइया होता है तो 5 मिनट, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25, 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50, 11 पर 55 और 12 पर 60। तो बताओ एक चक्कर पूरा करने में कितनी मिनट लगी, 60 मिनट। तो 60 मिनट का भाग लगाऊंगा तो एक मिनट बराबर कितने डिग्री आएगा, 6 डिग्री। यदि आपको एक मिनट का आता है तो आप कितनी भी मिनट का निकाल सकते हो। आपको पूछा कितना, 17 मिनट का, तो बताओ 17 गुणा 6 कितना होता है, 102 डिग्री। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी। यदि दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, यदि आपको सीधा याद है कि मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है एक मिनट में, तो आप देखते ही आंसर मात्र मात्र आपको 2 सेकंड लगेगी और आप आंसर बता दोगे। जैसे मैं कहूँ कैसे याद, देखो कैसे याद रखना है, घंटे वाला सुइया एक घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाला सुइया एक मिनट में आधा डिग्री, ठीक, मिनट वाला सुइया एक मिनट में 6 डिग्री, ठीक है, सेकंड वाला सुइया एक सेकंड में 6 डिग्री, ये आपको चीज़ें बतानी हैं। क्लियर है भैया, ओके। देखिए दोस्तों अनिल कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, नरेश आंसर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, जल्दी से बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापन होगी, आपको अतिव्यापन बताना है, ओवरलैप बताना है कि एक दिन में कितनी बार होती है। सुरेंद्र गोदारा सर कल आओगे क्या कोचिंग, नहीं भैया कल मैं नहीं आऊँगा, थोड़ा सा मैं सोमवार को आऊँगा, है ना, बिल्कुल। रॉयल रूप से आंसर सी बता रहे हैं सुरेंद्र, इसका आंसर सी बता रहे हैं सोनू, आंसर सी राम बामू, आंसर सी एस आर किंग सी। देखते हैं ध्यान से समझिएगा, याद रहे दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अति व्यापन कितनी बार होती है, 22 बार। तो बिल्कुल इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 22, ऑप्शन सी। अब देखिए कैसे आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार अति व्यापन होती है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अति व्यापन होगी, तो याद रखना 11 बार होगी, और एक दिन में या 24 घंटे में पूछे तो याद रखना दोस्तों 22 बार अति व्यापन होगी। ओके क्लियर हो। अब देखो एक बात बताऊं, आपका पहला सवाल ये रहेगा कि सर यदि एक घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी थी या 11 बार क्यों, एक कम कहाँ हुआ, तो ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि एक कम कहाँ होता है, तो समझिएगा जो एक कम होता है वो होता है 11 से 1 के बीच में, कहाँ होता है भैया कम, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही अति व्यापन होती है और वह होती है 12 बजे, कितनी बजे, 12 बजे, तो 11 से 1 के बीच में अति व्यापन कितनी बार, एक बार, कितनी बजे, 12 बजे, तो इन 2 घंटों में एक बार है तो एक कम हो गया। अब मैं पूछूं एक कम कहाँ होता है अति व्यापन में, तो आपको ये याद रखना है 11 से 1 के बीच में, क्योंकि आगे ये सवाल आएगा, अभी मैं आपको आगे सवाल दूंगा ना उसमें ये चीज आ जाएगी, ठीक है,
तो राइट आंसर सी ऑप्शन 22। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर बताओ। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होगी? बताओ भैया लंबवत कितनी बार होगी। ऑप्शन ए है 11 बार, बी ऑप्शन है 44 बार, सी है 12 बार और डी है 22 बार। संगीता चौधरी बिल्कुल राम राम। जल्दी से भैया इस सवाल का आंसर दीजिएगा आप कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है। एक बार सभी विद्यार्थी इस सवाल का आंसर दीजिए। सुरेंद्र गोदारा आंसर बता रहे हैं 44, बी ऑप्शन। राम बामू आंसर बता रहे हैं बी। एस आर किंग आंसर बता रहे हैं बी। सोनू ने आंसर बताया 44। देखते हैं क्या आंसर होता है, अभी आपके सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर रूप सा बता रहे हैं बी। ठीक है, बिल्कुल नरेश ने आंसर बी। देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयां जो होती है वो याद रहे लंबवत कितनी बार होगी? तो आप कहोगे सर 44 बार। एक दिन में कितनी बार? 44। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखिए कैसे, समझना एक बार ध्यान से समझिएगा। लंबवत दिशा जो क्या होती है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण लंबवत दिशा कहलाता है। और याद रहे लंबवत दिशा एक घंटे में दो बार होती है। लंबवत दिशा एक घंटे में कितनी बार होती है? दो बार। तो एग्जाम में ये पूछ ले कि 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होगी, तो आपको बताना है दोस्तों 22 बार। कितनी बार? 22 बार। लेकिन पूछ ले एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 44 बार लंबवत। कितनी बार? 44 बार। क्लियर? अब मान लीजिए ये आपका सवाल बनता है कि सर एक घंटे में यदि दो बार है तो 12 घंटे में 24 बार होनी थी, 22 क्यों? ये दो कम कैसे हुआ, ये बताइए, ये कम कहां हुआ? ठीक है, तो याद रहे दोस्तों ये जो कम होता है वो होता है एक तो दो से चार के बीच में। ठीक है, एक तो कम कहां होता है? दो से चार के बीच में, फिक्स 3 बजे लंबवत होती है इसलिए। और एक 8 से 10 के बीच में, ये एक कम कहां होता है? 8 से 10 के बीच में। तो एक कम यार, एक कम यहां, तो बताइए कितना कम हो गया? दो। दोस्तों ये चीज़ें यदि आप ये चाहते हो कि घड़ी बना के सर अच्छी तरीके से समझाएं, तो आप ऑफलाइन बेंच ज्वाइन कीजिए, आराम से आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी। तो भी मैं आपको देखो सवाल इसमें एक पूछा जा रहा है, मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अब्दुल स्वागत है भैया, अब्दुल आपका भी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सवाल आ चुका है, और जो बात अभी मैंने पीछे यानी एक आधे क्वेश्चन पहले बात की थी वही बात आ चुकी है। मैंने कहा था अभी जो बता रहा हूं वो आगे आएगा और आपके सामने आ चुका है। किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अति व्यापन होगी? बताओ भैया अति व्यापन कितनी बार होगी? जल्दी से आंसर बता दीजिए भैया, आपका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी बताओ भैया आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अच्छा सुरेंद्र गोदारा आंसर ए बता रहे हैं, अब्दुल 4 आंसर ए बता रहे हैं कि 4 बार होगी। अच्छा देखिए दोस्तों अभी अभी मैंने बताया इससे यानी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि अति व्यापन एक घंटे में एक बार, सही बात है।
तो सुनना, 9 से आपको 2 पूछा है, इसका राइट आंसर देखो क्या आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, समझना। 9 से 2 चलना है, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1 और ये 2, ठीक है। एक घंटे में एक बार, सही है। फिर एक घंटे में एक बार, सही है। फिर आपको मैंने क्या बताया था अतिव्यापन में, कि 11 से 1 के बीच में इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन कितनी बार? एक बार, ठीक। तो एक बार हो गई इन 2 घंटों में, और फिर आगे एक बार, तो बताओ आंसर कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4, ऑप्शन ए। देखिए आपको सीधा कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तो समझाने का तरीका था, ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसको सीधा कैसे करना है। दोस्तों जो समय आपको दिया हुआ होता है, जैसे 9 से 2 दिया हुआ है, तो इसमें पहले टोटल घंटे देखो कितने आ रहे हैं। तो 9 और 3 12 और ऊपर के 2 घंटे टोटल घंटे होते हैं 5 घंटे। कितने घंटे? 5 घंटे, सही बात है। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है एक घंटे में एक बार, तो घंटे टोटल 5 है। यदि जो कम होता है 11 से 1 के बीच में, यदि वो इन दोनों के बीच में है तो एक कम होगा, और यदि बीच में नहीं है तो एक कम नहीं होगा। तो ये तो 11 से 1 के बीच का समय इनके बीच में आता है तो एक कम होगा। तो 5 गुणा 1, भाई एक घंटे में एक बार होती तो 5 आता, लेकिन एक कम हो रहा है माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 4। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल अभिषेक भाकर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एस आर किंग, सोनू, नरेश, रॉयल रूपसा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भैया, कि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको कोण बताना है, एंगल बताना है, कि 2:40 होगी तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। पुनीत गोदारा, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। राजेंद्र चौधरी, बिल्कुल आपका स्वागत है, बढ़िया हालचाल है भाई राजेंद्र, मस्त हूँ बिल्कुल। पुनीत गोदारा, जे तेजा बाबा की, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, फेबुलस ओपन फिजिकल एकेडमी, हेलो सर, बिल्कुल हेलो। अब ध्यान से सुनना, आपको मैंने बताया था कि कोण निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा बजे। ये आपको मैंने कहा था कि यदि ये सूत्र आप याद कर लेते हो तो आप कोई सा भी कोण निकाल सकते हो, बताया था, बिल्कुल। अब इधर देखिए, एम आर गोदारा, दोग देऊं गुरु, बिल्कुल खुश रहो, भगवान तुम्हें नौकरी लगाए जल्दी से जल्दी। अब इधर देखो, 11/2 की जगह 11/2 गुणा मिनट, पर्सन में मिनट कितनी है 40, माइनस 30 गुणा बजे कितने हैं 2। अब इसको हल कर लो, जो आ रहा है वही आंसर है। तो देखो 20 बार कटा, 20 को 11 से गुणा किया 220, माइनस 30 गुणा 2 करने पर 60 आया। 220 में से 60 जाएगा तो 160 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 160। तो राइट इस सवाल का आंसर है कि 2:40 जब होगी तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण बनेगा 160, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल। अब्दुल ने आंसर ए बताया था, लेकिन ए नहीं होगा। अभिषेक 160 बताया था, बिल्कुल सही है। राजेंद्र चौधरी, बिल्कुल आंसर बताओ भैया। सुरेंद्र आंसर भी बता रहे हैं, सोनू ने 160 बताया है, पुनीत ने आंसर बिल्कुल भी बताया है। अब एसआई में एक सवाल आपको दे रहा हूँ, अब बता दो भैया, आपके सामने मैंने सूत्र भी बता दिया, जो फॉर्मूला था बता दिया, अब बताओ जब 5:10 होगी तो
तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5-10 पर बता दो कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी विद्यार्थी बताइए भैया कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, 5-10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। रॉयल रूप सा पूछ रहे हैं, क्लास क्यों नहीं आ रहे हो सर? ऑफलाइन में थोड़ा सा मैं देखो 2-3 दिन बिजी था, ठीक है सोमवार को आऊंगा, ठीक है बिल्कुल। पवन कुमार बिल्कुल राम राम भैया, रेखा राम जी बिल्कुल राम राम, नरेश बिल्कुल आंसर इसका ए बता रहे हैं, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर बता दिए, सुरेंद्र गोदारा ने आंसर ए बताया। चलो देखते हैं, हमें हमारा फॉर्मूला याद है, 11/2 × मिनट, मिनट कितनी 10, माइनस 30 × बजे, बजे कितना 5, ठीक है इसको काट दो, कितनी बार कटा 5 बार, तो 11 को 5 से गुणा करने पर कितना आया 55, माइनस 30 को 5 से गुणा करो 150, राइट। अब देखो प्लस का है 55, माइनस का 150, तो बताइए माइनस का कितना आ गया 95 डिग्री, कितने डिग्री आ गया। यदि इस सूत्र को हल करते समय आंसर यदि माइनस में आता है, किस में आता है माइनस में, तो उसको 360 में से घटा देना तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया 265 डिग्री, कितने डिग्री 265, आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ठीक है बिल्कुल। रोहित बिल्कुल, रोहित ने आंसर ए बताया है, पवन कुमार ए, ठीक है पुनीत गोदार आंसर ए, रॉयल रूप्स आंसर ए, ठीक है बिल्कुल। यदि सूत्र को हल करते समय माइनस में आता ना आंसर, तभी 360 में से घटाना है, यदि प्लस में आ रहा तो वही आंसर हो जाएगा। बताइए भैया, आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, आज की क्लास घड़ी टोपी के लिए बहुत ही शानदार क्लास, पूरा बेसिक से चल रहा हूँ, पूरी हर एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबंधित समय क्या होगा, यानी यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रही है तो उसको दर्पण में जब आप देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा। तो जल्दी से विद्यार्थियों इसका आंसर बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब है, फॉर्मूला सीधा याद रखो आंसर आ जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ए ऑप्शन है 16:10, बी ऑप्शन है 5:20, सी ऑप्शन है 3:10 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। अभिषेक बाकर ने बताया है कि सर सी ऑप्शन होगा 3:10, देखते हैं। रोहित ने आंसर बताया है सी, एक बार और आंसर बता दीजिए, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर बता दीजिए, ये मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन है, यदि आप पढ़ते हो तो, समझ गए। पवन कुमार आंसर सी। अब देखिए दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, इसको बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज बता दूं, दर्पण में यदि दो ही चीजें याद रखनी है, दर्पण में जब दर्पण नाम आ जाता है ना तो दो ही चीजें याद रखनी है आज के बाद में, ध्यान रखना दो ही चीजें, और वो दोनों चीजें बता रहा हूं। यदि आपको समय 11 से कम दिखाई दे, आपको समय किससे कम दिखाई दे, प्रश्न में 11 से कम दिखाई दे तो आप उसको 11:60 में से घटाना है, कितने में से घटाना है 11:60 में से, ठीक है। यदि समय 11 से अधिक दिखाई दे तुम्हें, क्या दिखाई दे 11 से अधिक दिखाई तुम्हें दे तो तुम्हें इसको 23:60 में से घटाना है, कितने में से 23:60 में से, ठीक है। ये दो चीज याद रख लो, दर्पण का कोई सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा। यदि समय 11 से कम है तो 11:60 में से घटाओ, और 11 से अधिक है तो 23:60 में से घटाओ, क्लियर है। चलो आगे, अब ध्यान से समझना एक बार सभी विद्यार्थी, अब आपका इस सवाल का आंसर आ गया होगा। आपको प्रश्न में समय दिया हुआ है 8:50,
तो बताओ 8.50 है वो 11 से कम है या ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर कम है। कम है तो कितने में से घटाओगे? 11 60 में से, 60 में से 50 जाएगा 10 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 10, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, सैम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको। जल्दी से मुझे आप इस सवाल का आंसर बताओ। किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर उसमें 11:20 दिखाई देते हैं तो घड़ी का वास्तविक समय, तो बताओ 11:20 हो रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय बताओ। जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दीजिए दोस्तों कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखता हूं सबसे पहले इस सवाल का आंसर कौन बताता है। जल्दी से आंसर देखें, आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। सुरेंद्र ने आंसर सी बताया है, देखते हैं। पवन ने आंसर सी बताया है, बिल्कुल। आप सभी का आंसर, जिन जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी बताया है, अभिषेक बाकर ने, पुनीत गोदारा ने, ठीक है, बिल्कुल। महिना कुमावत ने सी बताया है, बिल्कुल। जिन्होंने सी बताया सही सही हो सकता है, चेक करते हैं। देखो दर्पण का सवाल है और इसमें समय दिखाई दे रहा है आपको 11:20, तो बताओ ये जो समय है 11:20 ये 11 से कम है या ज़्यादा है? तो आप कहोगे ज़्यादा है, और ज़्यादा होने पर कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 23:60 में, 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:40, ऑप्शन सी, बिल्कुल। भरत सिंह राठौड़ आंसर सी, रोहित ने आंसर सी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको ये पूछा है कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी? जल्दी से आप इस सवाल का आंसर बता दीजिए, विपरीत दिशा में कब होगी? यानी 4 से 5 के बीच में विपरीत दिशा का मतलब है आमने सामने कब होगी, ये बताओ। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। सभी विद्यार्थी इस सवाल का आंसर बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, देखो अतिव्यापन में विपरीत दिशा में और लंबवत दिशा में, और चाहे कितने डिग्री का कोण पूछे, चाहे 10, 20, 30, 50, 100, इनके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं बता रहा हूं। 2/11 × 20 × 30 ± θ, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये 4 टाइम में यूज करें आप कर सकते हो। कितनी टाइम में? 4 टाइम में इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले इस सवाल का आंसर रोहित ने बताया है डी, देखते हैं क्या आंसर होता है, ठीक है। अब देखो भैया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सूत्र में जो थीटा का मान होता है वो होता है कितने डिग्री का कोण बनता है विपरीत दिशा में। तो आपको पता होना चाहिए कि विपरीत दिशा में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 180। अब ध्यान से सुनना, तो भैया यहाँ थीटा का मान 180 होगा, तो प्लस और माइनस में से एक ही चिन्ह आएगा, या तो प्लस का या माइनस का। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। देखिए दोस्तों, प्लस का चिन्ह जब आएगा, जब समय 6 से कम हो। प्लस का चिन्ह कब आएगा दोस्तों? जब समय जो है वो 6 से यदि क्या है, कम है। माइनस का चिन्ह कब आएगा दोस्तों? माइनस का चिन्ह जब आएगा, जब समय 6 या 6 से अधिक हो। 6 या 6 से क्या हो? अधिक हो,
तो याद रहे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। चलिए भैया इसका आंसर समझना, अब आपको पता चल गया होगा कि सीधा मैं फॉर्मूले में रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो, दो बटावा ग्यारह की जगह दो बटा ग्यारह बजे, तो चार से पांच के बीच का समय होता है वो कितनी बजकर होता है, चार बजे गुणा तीस। अब मुझे ये बताओ प्लस होगा या माइनस, तो आप कहोगे सर समय आपके पास चार है, तो चार छह से क्या है, कम, और कम होने पर क्या होता है, तो कम होने पर होता है प्लस, और थीटा का मान 180। दो बटावा ग्यारह गुणा चार को 30 से गुणा करूंगा तो 120 आ जाएगा, प्लस 180 कर दूंगा, तो दो बटावा ग्यारह गुणा 120 और 180 होता है 300। 300 को 2 से गुणा कर दो तो यहां मैं लिख देता हूं 600 और बटे में 11। अब आपको 600 में किसका भाग लगाना है, 11 का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 600 में जब आप 11 का भाग लगाओगे तो भाग जाएगा 5, फिर 4, शेष पल बच गया 6 और बट्टे में 11। तो 600 में 11 का जो भाग है वो कितनी बार जा रहा है, 54 सही 6 बटावा 11 मिनट। तो जितनी बार भाग जाता है वो हमारी मिनट होती है, क्या होती है, मिनट। तो मिनट तो आ चुकी है, लेकिन कितनी बजकर, तो आप कहोगे सर चार बजकर, कितनी बजकर, चार बजकर 54 सही 6 बटावा 11 मिनट जो है उस पर विपरीत होगी। तो किस ऑप्शन में है रे, डी में, बिल्कुल। देखिए इस सवाल का सबसे जल्दी आंसर बताने वाले हैं रोहित। रोहित का बिल्कुल राइट आंसर है, रोहित रूप सा 54 बट्टा 7 उड़ी आएगा, ये 54 बट्टा 7 है, ठीक है, 54 यानी 54 सही 7 बट्टा 11 है, समझ गए आंसर क्या होगा, 54 सही 6 बटा 11, बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे लंबवत होगी। याद रहे लंबवत का मतलब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, और लंबवत आपको पता है दो बार होती है, कितनी बार, एक घंटे में दो बार, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। अब देखो वही सूत्र है जो भी इससे पहले वाला था, देखो दो बटावा ग्यारह गुणा बजे में कितने, सात गुणा तीस। अब देखो प्लस और माइनस में से ये याद रखना, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार होती है तो प्लस और माइनस में से एक चिन्ह आएगा, यदि कोई भी कोण दो बार बनता है एक घंटे में तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा। तो देखिए मैं इसको ये कह सकता हूं, एक बार तो प्लस का 90 है, और दूसरी बार मैं इसी को लिख के क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 7 गुणा 30 माइनस का 90, तो एक समय इससे आ जाएगा और एक समय इससे आ जाएगा, और दोनों में से ऑप्शन में क्या होगा, एक आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए दो बटावा ग्यारह गुणा 7 गुणा 30 होता है 210 प्लस का 90, तो दो बटावा ग्यारह गुणा 210 में 90 जोड़ दो तो 300 आ जाएगा, 300 गुणा 2 करोगे तो 600 आ जाएगा, और बट्टे में कितना, 11। और आपको पता है अभी इससे पिछले सवाल में आपने 600 में भाग किसका लगाया था, 11 का, तो भाग कितनी बार गया था, 54 बार, शेष पल 6 बट्टे में 11, ये तो हमारी क्या आ गई, मिनट, लेकिन कितनी बजकर, तो आप कहोगे सर 7 बजकर, कितनी बजकर, 7 बजकर, तो ये इस समय लंबवत एक बार हो गई, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में होता तो सही हो जाता। अब आगे देखो इसको हल करता हूं, दो बटावा ग्यारह गुणा 7 गुणा 30 होता है 210 माइनस का 90,
दो बटावा ग्यारह गुणा 210 में से 90 जाएगा तो 120 बचेगा, 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240 बटे में 11, 240 में लगा दो 11 का भाग तो भाग जाएगा 21 बार, शेष फल आया 9 और बटे में आया 11। ये तो क्या हो गई मिनट, लेकिन कितनी बचकर 7 बचकर, कितनी बचकर 7 बचकर, दूसरा समय आ गया। ये इन दोनों में से ऑप्शन में देख लो जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल जो दूसरा हमारा आंसर आ रहा था 7 बजकर 21 सही, 9 बटा 11, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए आप जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर भी बताया है सबका सही है, रोहित ने बताया, अभी पवन ने बताया, फिर पुनीत ने आंसर बताया, अभिषेक ए बता रहे हैं ए नहीं होगा बेटा, रोयल रूपसा ने ए बताया ए नहीं होगा, फिर महीना कुमावत ने आंसर भी बताया, तो इस सवाल का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, ठीक है। सुरेंद्र गोदारा पूछ रहा है सर दोनों आ गए तो, बिल्कुल मान लो ये भी आ गया ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन में आ गया, मान लो ये ए में आ गया, ये मान लो बी ऑप्शन में आ गया, तो सी और डी ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि ए व बी दोनों सही, तो वो सही कर देना। ओके सुरेंद्र, तो बताइए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे और लेवल धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार आंसर बता दें, बिल्कुल आप सभी का स्वागत, ठीक है। ओके गुड नाइट, आपको समझ में आया, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल देखो, यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, बिल्कुल सुरेंद्र गोदारा कह रहे हैं शानदार सर मज़ा आ गया, बिल्कुल पवन कुमार कह रहे हैं मस्त सर, पुनीत गोदारा बता रहे हैं मस्त है सर आपकी क्लास। ओके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ओके गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।